Hey guys, my name is Amrita. इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुगर के बारे में बताऊंगी, शुगर के क्या फायदे हैं और शुगर को कैसे यूज करना चाहिए और शुगर में क्या है, कैसे तत्व मिलते हैं वो मैं बताने वाली हूँ और जो है करके भी दिखाऊंगी कि आपको उसे कैसे यूज करना है, कौन से वाले शुगर को कैसे यूज करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले मैं ब्राउन शुगर के बारे में बताना चाहती हूँ। ब्राउन शुगर से तैयार किया गया जो स्क्रब होता है वो एक्सफोलिएटर का काम करता है, जो हमारी स्किन में से टैनिंग को रिमूव करता है। ग्लाइकोलिक एसिड भी मिलता है और ब्राउन शुगर को जो है नेचुरल सोर्स माना जाता है ग्लाइकोलिक एसिड के लिए। इसमें जो है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है। ये जो एसिड है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एंटी एजिंग के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो इस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को यूज़ करती हैं। हमारे फाइन लाइंस को बढ़ने से रोक देता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, हमारे स्किन में से टैनिंग को रिमूव करता है। और इससे बना जो स्क्रब और पैक है वो आप नेक हो गया, हैंड हो गया और फेस पे हो गया, पैरों पे हो गया, बैक पे यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो थोड़े से हेल्दी लोग होते हैं उनकी जो है टैनिंग की प्रॉब्लम नेक पे रहती है, वो एक ब्लैक से लाइन सी बनी होती है, उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बोला इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो मेलिन को जो है कंट्रोल करती है और ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा होता है, जिसके कारण हमारी जो एक्ने की प्रॉब्लम है, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं उनको जो एक्ने की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे दूर हो जाती है। और इसे आप कैसे यूज, ब्राउन शुगर को हनी के साथ मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके इसे यूज़ करें, फेस पे, गर्दन पे इसे यूज़ करें। इसे तब तक रब करें जब तक कि जो शुगर है वो मेल्ट ना हो जाए। मेल्ट होने के बाद इसे हल्के से गुनगुने पानी से जो है वॉश कर ले, जिससे आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी। और ये इससे इंस्टेंट ग्लो भी हो आता है चेहरे पे, आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकती हैं। अगर ब्राउन शुगर को आपको हाथ या पैरों में यूज़ करना है तो उसमें कोकोनट ऑयल मिला है बराबर मात्रा में। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है आपके पास, जैसे बादाम ऑयल है, तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। इक्वल क्वांटिटी में मिला के पैरों में, हाथों में स्क्रब करें अच्छे से, जिससे आपकी टैनिंग जो है रिमूव हो जाएगी। बट इसे आपको रेगुलर यूज़ करना है। और इसके बाद अब मैं बताऊंगी आपको क्रिस्टल शुगर आपको पता ही है, जो सामान्य जो हम घर पे यूज़ करते हैं, हर किसी के घर पे अवेलेबल होता है, उसे कैसे यूज़ करें। उसके भी फायदे यही है, वो टैनिंग को रिमूव करता है और हमें जो है इंस्टेंट ग्लो देता है। और ये ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। इसे जो है लेमन के साथ यूज़ करें, जिससे आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी। और आपने देखा होगा नेल्स के आसपास कई लोगों को जो है डेड स्किन हो जाती है, उस डेड स्किन को रिमूव करने में ये जो क्रिस्टल शुगर है बेस्ट है, लेमन के साथ यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे लेमन के साथ यूज़ करें। अगर आपकी स्किन जो है ड्राई या नॉर्मल है तो आप इसे कच्चा जो दूध होता है उसके साथ यूज़ करें इक्वल क्वांटिटी में। ये एक फेस पैक का भी काम करेगा, पहले इसे रब कर ले अच्छे से जब तक मेल्ट नहीं हो जाता शुगर। उसके बाद जो है आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ सकती हैं। जिस एक ही चीज़ से आप दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो आपकी स्क्रबिंग हो गई, दूसरी जो है फेस पैक का भी काम कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे यूज़ करना है। मैंने चीनी लिया है, वही मेरी जो स्किन है बहुत टैन हो रही है इस वेदर में, मेरी नॉर्मली हो जाती है तो थोड़ी ऑयली भी है। इसको लिया आपने, इस तरह से मैंने नॉर्मली घर पे होता है वही बैंड मैंने लगाया है, ताकि बालों पे ये जो स्क्रब है जो चीनी है चिपक ना जाए, बहुत स्टिकी होगा, तो इसलिए मैंने जो है बैंड लगाया। आप भी घर पे हेयर बैंड या कोई भी आपके पास बैंड है किसी भी टाइप का वो यूज़ कर सकती हैं, नहीं तो कपड़ा बांध सकती हैं। ये लिया और इसे फेस पे इस तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद एक बाउल में मैंने पानी लिया है, मैं हल्के हल्के हैंड से सिर्फ फिंगर टिप यूज़ करना है आपको। इस
इसे हम 10 मिनट तक मसाज करेंगे। इससे जो है अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं, झाइयाँ भी ठीक हो जाएंगी अगर रेगुलर आप यूज़ करती हैं, और कहीं जाना है आपने फेशियल नहीं कराया, आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं उसे। अब ये 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, इसको अब मैं क्लीन कर लूँगी। इस तरह से कर सकती हैं और करना बहुत इजी है। आपने देखा मैंने कितनी इजीली उसको किया और क्लीन भी इजीली हो गया और फेस छूने में भी बहुत सॉफ्ट लग रहा है और नोज़ हल्की सी शाइन कर रही है, क्योंकि ये जो है इंस्टेंट ग्लो देता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।